भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री व कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को देश भर में मनाया गया, जिसमें राजधानी दिल्ली स्थित सुल्तानपुर से पूर्व विधायक और मौजूदा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं समेत कई दलित संगठनों के लोगों ने भी उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकिशन के नेतृत्व में दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीजों और उनके तीमारदारों को फल और फेस मास्क वितरित किए गए। साथ ही क्लस्टर एरिया और झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों को खेल सामग्री भी वितरित की गई। फल वितरण के दौरान अस्पताल परिसर में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समर्थन में नारे भी गूंजते नजर आए। माँ बेटे का यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। सारे देश में आज राजीव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज 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 लोगों को राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की बहुत याद आ रही है। राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने देश की एकता का जो बना के रखा, अपने प्राणों की आहुति दे करके, तो इससे बड़ी बात देशवासियों के लिए क्या हो सकती है। देश के पीछे सबसे बड़ी कुर्बानी कांग्रेस की लीडरशिप ने दी है। कांग्रेस नेता जयकिशन ने इस दौरान कहा कि आज पूरा देश राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने देश के विकास के लिए जो किया वो सराहनीय है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयकिशन ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयकिशन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गरीबों, दलितों, दबे कुचलों समेत आम जन की आवाज को उठाती आई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज विपक्ष में होने के बावजूद भी कांग्रेस ने देश की जनता का साथ नहीं छोड़ा है। जयकिशन ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे हिंदुस्तान की जनता महंगाई और बेरोजगारी से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव पर बोलते हुए कहा कि लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं और आगे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। जो आज मौजूदा सरकारें हैं, उन्होंने तो देश की पीछे आज तक डंडा भी नहीं खाया। देश के लोगों के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, जिस पार्टी के लोगों ने देश के पीछे एक डंडा भी नहीं खाया, जिनका आज तक एक पालतू डॉग जो था वो भी नहीं मरा, कांग्रेस के लाखों लोग खप गए। इंदिरा गांधी की छाती में 32 गोलियां मार दी गई, राजीव गांधी के देश की एकता के लिए 50 टुकड़े कर दिए, इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है। राजीव गांधी की याद आ रही है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की याद आ रही है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की लीडरशिप को हम आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल हर तरीके से तन मन धन से और लाठी गोली खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। गौरतलब है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे कम उम्र में देश का प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने साफ सुथरी राजनीति की और पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर जो कार्य किए उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। राजीव गांधी की बदौलत आज विश्व में भारत देश उन्नत देशों की श्रेणी में है तथा कंप्यूटर क्रांति की बदौलत आज भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर है। देश को 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार, पंचायती राज, नई नई टेक्नोलॉजी उन्हीं की देन है और हमारे देश में कंप्यूटर की शुरुआत भी स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी ने अपनी शासन काल में आई आपदाओं का बखूबी मुकाबला किया था। आज पूरा देश उन्हें शत शत नमन कर रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।